कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब जब हमारी सरकार रही हम लोगों ने आतंकवाद को खत्म किया था, विकास शुरू हो गया था, डेवलपमेंट शुरू हो गया था। लेकिन जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफा सरकार में कदम रखा तो हमने उसी दिन बताया था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जहां जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग लग जाती है, और वही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। इन साढ़े तीन वर्षों में बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू प्रोविंस में हुए, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आर्मी जवान मारे गए, पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए, सबसे ज़्यादा सिविलियंस मारे गए, सबसे ज़्यादा सिविलियंस जख्मी हुए। तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़े आते हैं हर चीज़ में वो बीजेपी और पीडीपी के कोटे में जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके, तबाह करके अब बीजेपी सारा गुना पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते। तो बीजेपी की सरकार, केंद्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, अपनी नाकामी से नहीं भाग सकती। और जो उन्होंने गलती की थी, मैंने प्रधानमंत्री जी को 2015 के शायद मार्च के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, क्योंकि उन्हीं दिनों उसी हफ्ते में इनकी सरकार बनी मुफ्ती साहब के साथ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया था कि जो जम्मू कश्मीर में आप सरकार बना रहे हैं ये हिमालया जैसी गलती होगी, हिमालयन गलती होगी, और हम प्रूव साबित हुए कि वो हिमालयन गलती थी। और एक तजर्बा इन्होंने किया, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। फ्री 24 तास रहा एक पाउल बूढ़े।